नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की, सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकद्री हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था NHM के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो उल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं, ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूँ, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूँ। पर अहंकार की कुर्सी से वापिस आइए, आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी, जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा।